तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल को ग्रो कर सकते हैं, बेसिकली अपने पेज को, हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम पेज। यस गाइस, हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम पेज, वो भी ऑर्गेनिकली। यस गाइस, इन 2019 टू 2020 या 2021 हर जगह आपको यही चीज यूज करनी है अगर आप इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हैं। तो गाइज देखो, आज मैं बहुत सारे तरीकों की बात नहीं करूंगा, आज मैं एक तरीके की बात करूंगा और उस तरीके से आप बहुत तेजी से इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वर्किंग, बिकॉज मैंने बहुत सारे अपने पेजों पे इसको ट्राई किया है एंड ये बहुत तेजी से काम करता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं, बिकॉज आप लोग भी एक ब्रांड बनाना चाहते हो, एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पिंग है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अपना जो पर्सनल पेज है, लाइक दिस, ये मेरा पर्सनल पेज है, तो ये जो पर्सनल पेज, इसको ग्रो करने की कोशिश मत करो, ठीक है? ये अपने आप ग्रो होगा जब आपके अदर्स नेटवर्क ग्रो होंगे तो। बिकॉज देखो, यहाँ आप हर तरह के पोस्ट नहीं डाल सकते, ये आपका कई हद तक एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? तो यहाँ आप अपने आप को ब्रांड बनाओ। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा कि आप पोस्टिंग मत करो, पोस्टिंग करो, बट कम से कम पोस्टिंग करो, बिकॉज ये जो है ये आपका कई हद तक पर्सनल अकाउंट है और यहाँ आपको अपनी फोटोज भी डालनी है एंड ऑल। सो इस पे काम मत करो अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो या इंस्टाग्राम से बिजनेस करना चाहते हो या कुछ इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हो, तो इस पे उतना काम मत करो जैसे कि हर मार्केटर करता है। जितने भी बड़े गुरुज हैं वो अपने पेज पे काम नहीं करते हैं, जो सिर्फ इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हैं, राइट? जो सिर्फ इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हैं, जो अपना ब्रांड बना रहे हैं वो अपनी पोस्टिंग करते हैं, राइट? ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो आपके पर्सनल पेज पे अप्लाई नहीं होगा, ओके? सो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आपको मैं बताने वाला हूँ हाउ टू फाइंड द वायरल पोस्ट, राइट? हाउ टू फाइंड द वायरल पोस्ट। तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ जाऊंगा और मुझे समझ लो, मेरा एक मोटिवेशनल पेज है। लाइक देखो, जैसे कि मैं थोड़े थोड़े दिन पे, आपको पता होगा कि मैं स्टोरीज डालता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम से, तो जरूर जरूर फॉलो करो, बिकॉज वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपडेट मैं आपको बताता हूँ एंड क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना चाहिए, आपको मोटिवेट रखता हूँ एंड सारी चीज़ें, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि देखो, मैं थोड़े थोड़े दिन पे या 3 महीने 4 महीने पे एक अकाउंट खरीदता हूँ। लाइक आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि मैंने एक और अकाउंट खरीदने के लिए पोस्ट डाला। तो मैं इन अकाउंट्स का क्या करता हूँ, अभी बेसिकली मैं 5+ अकाउंट्स हैंडल कर रहा हूँ जो मेरे खुद पर्सनल है, जिनमें से मैंने 3 को खरीदा हुआ है और 2 को मैंने खुद बिल्ड किया हुआ है। तो इनसे क्या होता है, इनसे आती है ट्रैफिक, इनसे आती है सेल, इनसे बढ़ता है बिजनेस और प्लस आप इन अकाउंट्स को सेल भी कर सकते हो, राइट? तो आपको भी, अगर आप इस मार्केट में हो तो आपके पास भी 3-4 अकाउंट होना चाहिए जिसको आप ग्रो करना चाहते हो, ओके? इसके लिए आप लोगों को भी हायर कर सकते हो, या अगर आपके पास सिर्फ यही काम है तो आप सिर्फ इसको ग्रो करने में टाइम लगाओ, बिकॉज जिसके पास ऑडियंस होगी गाइस, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा। तो गाइस बिलीव मी, अगर आप इंस्टाग्राम के बारे में सीरियस हो तो इस चीज पे काम करना स्टार्ट कर दो आज ही से, ओके? सो फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे। अब नाउ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे ढूंढना है बेस्ट पोस्ट, ओके? सो मैं मान लो मोटिवेशन से रिलेटेड मेरे कुछ पेजेस हैं तो मैं उनके लिए पोस्ट फाइंड करता हूँ, ओके? सो मैं जा रहा हूँ मोटिवेशनल कोर्स पे, मैंने बस फॉलो किया है। सो अब नाउ आपको ढूंढना कैसे, लाइक देखो, जैसे कि ये 32.3K, अब मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है? एंड देन मैं डायरेक्टली क्या चेक करूंगा, मैं डायरेक्टली चेक करूंगा इसके फॉलोअर्स, इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, इसमें इनकी ये ईजी है इनके लिए, ओके? मैं सिर्फ फ्रंट में, मतलब जो पोस्ट जो टॉप में है ना, उनसे ढूंढना आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा किसी पेज पे जाओ और उसको ढूंढो, ठीक है? आपको सिर्फ इनके पेजेस को चेक करना है, लाइक दैट, जैसे हम, मैं चेक कर रहा हूँ अभी कि इनका कितना लाइक है, उसके हिसाब से इनको पिक करना है। लाइक देखो, 1,000, 1,000, 2,000, इट्स मीन कि ये बेटर पोस्ट नहीं है, ओके? कट। देन और नीचे जाओ, इट्स 3,000 के लगभग है ये, ठीक है? अब इसको चेक करो एंड यू कैन सी, आई थिंक बेस्ट इंगेजमेंट है, 3,000 अच्छी पोस्ट है, ठीक है? वो रैंक कर रही है वो पोस्ट, यस, वो पोस्ट रैंक कर रही है। एक और पोस्टिंग की यहाँ रैंक कर रही है 5,000 की। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको क्या बोलते हैं, डाउनलोड कर सकते हो या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके? और
आप अगर चाहो तो आप इनके जो ये चीज है ना, जो इनका हैशटैग है, उसको भी कॉपी कर सकते हो। तो अब आपको करना ये है गाइस, आपको यहाँ होम पेज पे हर पेज पे जाके देखना है कौन सी पोस्ट रैंक कर रही है इनकी, ठीक है? मतलब कौन सी पोस्ट ज्यादा रैंक कर रही है ऊपर, वो किसके लाइक ज्यादा है। आपको यहाँ पर क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना ये है कि सबसे पहले तो आपको कोई पोस्ट देखना है, ठीक है? ये पोस्ट आपने मान लो देख ली किसी की पोस्ट, अब आपने उसकी लाइक देख ली कि उसने 1000+ लाइक गैदर किए, अब आपको क्या करना है, आपको उसके अकाउंट पे जाना है, ठीक है? इस पोस्ट ने 1000 लाइक किए, ठीक है? मान लो ये जो अकाउंट है इस पे फॉलोअर्स है 3000 या 4000, ठीक है? मान लो 4000, तो ये पोस्ट बहुत अच्छी है, ठीक है? तो आपको इस पोस्ट को क्या करना है, डाउनलोड करना है या आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और यही सेम पोस्ट सेम हैशटैग के साथ अपने अकाउंट में डालना है गाइस। और अपने अकाउंट में आपको दिन भर में 3 से 4 बार पोस्टिंग करनी है, अगर आपको अकाउंट को ऑर्गेनिकली बहुत तेजी से ग्रो करना है तो 3 से 4 बार पोस्टिंग करो और ये वायरल पोस्ट को फाइंड करो। अब मान लो यहाँ पर 5000 लाइक है इसका, यहाँ पर 5000 लाइक है, ठीक है? और आप इसके पेज को क्लिक करते हो, ये पेज खुलता है और यहाँ पर सिर्फ मान लो सिर्फ नहीं, कम से कम 20,000 फॉलोअर है, फिर भी ये बेस्ट पोस्ट है क्योंकि 20,000 के जब पेज में आप देखोगे तो 5,000 लाइक्स नहीं आते, 1,000 2,500 जाएंगे। जब आप इन पे जाओगे क्लिक करोगे, इनके और पोस्ट को आप देख सकते हो, राइट? उनके और पोस्ट को देखो, वो कितने लाइक पा रहे हैं, देखना वो 1,000 2,000 पा रहे हैं, 3,000 पा रहे हैं। तो अगर इनकी ये जो पोस्ट है वो 5,000 पाई है, मतलब ये बेस्ट पोस्ट है, मतलब लोगों को पसंद आ रही है। अब इंस्टाग्राम क्या करता है, जो बेस्ट पोस्ट रहती है उनको अप में ले जाता है, ऊपर उठाता है, मतलब आपका जो पेज है उसको बहुत लोगों को शो करेगा बार 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 बार। तो इससे क्या होगा, इसके आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। दूसरी चीज, आपका जो हैशटैग आपने यूज किया उससे आपका जो पोस्ट है वो यहाँ पर रैंक करेगा, जैसे इनके पोस्ट रैंक कर रहे हैं वैसे आपका भी पोस्ट जो है वो यहाँ पर रैंक करेगा टॉप में। तो ये एडवांटेज है, आप देख सकते हो यहाँ पर, देख रहे हो ये सब पोस्ट रैंक कर रहे हैं, ये सब पोस्ट रैंक कर रहे हैं। ये देखो, ये भी एक बहुत अच्छा पोस्ट है, 6,000 की इंगेजमेंट है और इसका जो पेज है वो आई थिंक कम ही होगा, बिकॉज ये पोस्ट बहुत अच्छा है और मैंने इस पोस्ट को कई बार देखा है। देखो 19,000 है, तो बहुत अच्छा इंगेजमेंट है, देख रहे हो आप, 2,000 1,000 1,148 1,000 3,000, बस इतना ही है। तो ये पोस्ट भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। देखो ऐसे आप करके आपको 100 पोस्ट ढूंढना है, अगर आपको ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम में ग्रो करना है, ऐसे आपको 100 पोस्ट ढूंढना है एंड उन 100 पोस्ट को, पोस्ट में से हर मतलब हर दिन आपको 3 से 4 पोस्ट करना ही करना है अगर आपको इंस्टाग्राम में ऑर्गेनिकली ग्रो करना है इस टाइम, बिकॉज अब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पेजेस रहेंगे, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा रहेगा आने वाले टाइम में, और इस टाइम में भी, बिकॉज आप इसे एफिलिएट कर सकते हो, पेजेस को सेल कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तो अगर आप इंस्टाग्राम के बारे में सीरियस हो तो आज से स्टार्ट कर दो ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम को ग्रो करना। ये एक मेथड आपको बहुत सारे एंगेजमेंट ला के दे, बिकॉज मैं इस मेथड को यूज करता हूं और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर गाइस आप इंस्टाग्राम के बारे में सीरियस हो तो यूज करो इस मेथड को, बस 2 से 3 चीजें हैं जो उसमें ध्यान में रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको बाद में कोई भी मैं वीडियो डालूंगा आपको जरूर मिले। एंड गाइस प्लीज प्लीज लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट करो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यस या नो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।